आज के वीडियो में हम देखेंगे करंट टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और उनमें से हम 3 लार्ज कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। लार्ज कैप फंड का सिंपल फंडा है जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज की जाती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सो जो करंट मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, और जो नंबर निकल के आता है वो उस कंपनी की करंट वैल्यू होती है। तो मार्केट कैप की 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है वो सबसे कम रिस्की मानी जाती है अगर हम उसको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, ये रिलायबल होती हैं, ये स्टेबल होती हैं और ये सस्टेनेबल ग्रोथ देती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये बेस्ट रिटर्न देती हैं। और क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती हैं इसलिए रिसेशन का इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए लार्ज कैप फंड्स अच्छी चॉइस बन जाती है। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज के इक्विटी शेयर में करना कंपलसरी होता है, तभी वो फंड्स लार्ज कैप फंड्स कहलाते हैं। और क्योंकि ये लीस्ट रिस्की है इसलिए अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए आपको इन फंड्स में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 5 साल की जगह अगर आप अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स देखना चाहते हैं, तो आप 8 से 10 साल या फिर 15 साल तक भी इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब आपको एक सिंपल इंटरनेट सर्च करने पर टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर वो क्या करते हैं, पास्ट के रिटर्न्स को दिखाते हैं। वो इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि 3 साल में 5 साल में 10 साल में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर किसी फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो इसकी ये गारंटी नहीं हो जाती कि फ्यूचर में भी वो फंड्स अच्छे रिटर्न देंगे। इसलिए जब हम एनालिसिस करें तो हमें कुछ और फैक्टर्स को भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वोलेटिलिटी, तभी हम कुछ हद तक इनके जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, जो भी फैक्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनके मैं मीनिंग भी आपको साथ में बताता जाऊंगा, ताकि आप खुद भी अगर फ्यूचर में एनालाइज करना चाहते हो तो आप आसानी से कर पाए। एंड फाइनली मैं अपनी टॉप 3 पिक्स आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय पर इस तरह के और भी वीडियोस में लेके आने वाला हूं, सो मेक श्योर यू डोंट मिस देम। दोस्तों जब हम फंड्स को चूज करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन से फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। इसलिए जो आज 5 फंड्स मैंने चूज किए हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और वो पिछले कई सालों से अपने बेंचमार्क को बीट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। मैंने पिछले 3 साल और पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न्स को देखते हुए इन 5 फंड्स को चूज किया है। यहाँ पर जो फंड्स मैंने चूज किए हैं उनके नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड एंड फाइनली कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब ये जानने के लिए कि इन 5 फंड में से कौन से 3 ऐसे फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे होंगे, हम इन सब फंड्स को कुछ पैरामीटर्स में रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले इन 5 फंड्स के 10 इयर्स, 5 इयर्स और 3 इयर्स के रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर हम 10 इयर्स रिटर्न की बात करें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का हाईएस्ट 10 ईयर रिटर्न है इन 5 फंड्स में से, 15.97। बाकी अगर फंड्स की बात करें तो ICICI, कोटक और कैनरा जो है वो 15-14% का रिटर्न देते आ रहे हैं, लेकिन HDFC टॉप 100 फंड यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है 13.81। यहाँ पर हम 10 इयर्स के रिटर्न को देख रहे हैं तो यहाँ पर HDFC टॉप 100 फंड लास्ट पे आता है। अब अगर लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है वो पहले नंबर पर आता है, जो कि 14.60% रिटर्न्स। इसके बाद HDFC, ICICI और कोटक जो है वो 12% के अराउंड आपको रिटर्न देते दिख रहे हैं, एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड यहाँ पर 13.13% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर अगेन HDFC टॉप 100 फंड जो है वो 5 ईयर रिटर्न में भी लास्ट पे आ रहा है, तो 10 ईयर और 5 ईयर रिटर्न पर HDFC टॉप 100 फंड आ रहा है। अब अगर 3 ईयर रिटर्न्स को चेक करें तो यहाँ पर जो लास्ट में आ रहा है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड 24.80%, और टॉप पर आ रहा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 33.27%। कोटक यहाँ पर 27.03% का रिटर्न दे रहा है, ICICI 28.06% का रिटर्न दे रहा है एंड HDFC टॉप 100 फंड यहाँ पर 29.62% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने इनकी नंबरिंग की है वो इनके 3 ईयर रिटर्न के हिसाब से की है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो कैनरा का कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, इसके अलावा निपॉन इंडिया की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब इनकी कुछ और डिटेल्स चेक करते हैं। तो अगर प्लान की बात करें तो 5 फंड का जो प्लान है वो ग्रोथ प्लान है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर चेक करें तो हाईएस्ट यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है 34,679 करोड़ का, और सबसे कम है कोटक ब्लू चिप फंड का 5,376 करोड़। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज लगाती हैं, और उसमें इंक्लूड होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, मैनेजमेंट फीस, एलोकेशन चार्जेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इस तरह के जो भी चार्जेस होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूडेड होते हैं।
और हर फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो अगर लो एक्सपेंस रेशियो होगा तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पर लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, जो कि केवल 0.53%, और हाईएस्ट की अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है 1.12%। इसके अलावा इससे थोड़ा सा ही कम है HDFC टॉप 100 फंड का 1.11%। तो यहाँ पर कोटक ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड दोनों के एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। निपोन इंडिया का ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो है 1.01%। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को चेक करेंगे, जो कि है वोलेटिलिटी। सो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कॉमन होती है, स्टॉक प्राइसेस जो है वो हर सेकंड फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और ऐसा उतार चढ़ाव मार्केट में आता ही रहता है। और जिस फंड में ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उस फंड की उतनी ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और उतनी ही ज़्यादा रिस्क होती है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आपको वोलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा फंड इनमें से लेस वोलेटाइल है। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है वो यहाँ पर लीस्ट वोलेटाइल है 12.72%, और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पर है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 13.65%। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे शार्प रेशो। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए शार्प रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शार्प रेशो से हमें पता चलता है कि फंड ने रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कैसा रिटर्न दिया है। इसलिए जितना शार्प रेशो हाई होगा उतना बेटर फंड होगा, और यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का हाईएस्ट शार्प रेशो है एंड HDFC टॉप 100 फंड का सेकेंड हाईएस्ट शार्प रेशो है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ और ये भी है कि जितना हाई शार्प रेशो होगा उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा रिस्क लेवल भी होगा। इसलिए अगर आप हाई रिटर्न को एम कर रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा रिस्क आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। सो एक बैलेंस शार्प रेशो यहाँ पर आइडियल होता है। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, यानी कि फंड के रिटर्न उसके एवरेज एनुअल रिटर्न से कितना डेविएट कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है मतलब फंड ज़्यादा वोलेटाइल है और ज़्यादा रिस्की है, और ऐसे में गेन और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें लो स्टैंडर्ड डेविएशन पर फोकस करना चाहिए, और इन पांचों फंड्स में से कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.51, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 16.71। तो 13.5 का जो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर आइडियल होगा। तो अब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम यहाँ पर तीन फंड्स को चुनने वाले हैं। तो थर्ड नंबर पर आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इसके रीजंस हैं कि इसका मॉडरेट एक्सपेंस रेशियो है 1.02% का, जो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। दूसरा रीजन है कंसिस्टेंटली इसने हाई रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, और 3 इयर्स और 5 इयर्स का जो रिटर्न है इसका वो सारे लार्ज कैप फंड्स में हाईएस्ट है। अगला रीजन ये है कि जो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं, जो कि हम शार्प रेशियो की हेल्प से पता कर पाते हैं, वो इसके हाईएस्ट है। सो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद ये हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है लार्ज कैप फंड्स में, इसीलिए इसको मैं थर्ड नंबर पर रख रहा हूँ। सेकंड नंबर पर मैं रख रहा हूँ कोटक ब्लू चिप फंड को। उससे पहला कारण यह है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है 0.58%, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सेकंड रीजन है कंसिस्टेंट रिटर्न देता हुआ आ रहा है पिछले 10 साल से, और अगर इसके पिछले 30 साल के हम रिटर्न को चेक करें तो काफी हाई है। फाइनल रीजन यह है कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बहुत लो है, इसीलिए कोटक ब्लू चिप फंड को ये सारे फैक्टर्स लो रिस्क और हाई रिटर्न फंड बनाते हैं। और नंबर वन पे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 0.53% का, और ये कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता हुआ आ रहा है 10 साल से। पिछले 5 साल में इसके हाईएस्ट रिटर्न रहे हैं सारे ब्लू चिप फंड में। नेक्स्ट है कि इसकी वोलेटिलिटी सबसे कम है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है। तो यहाँ पर जितने भी लार्ज कैप फंड हमने चूज किए हैं इसमें सबसे कम रिस्क कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की हमें नजर आ रही है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। इस वीडियो में जो मैंने 3 फंड सजेस्ट किए हैं उनमें से किसी भी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में एक ही फंड आपको चूज कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा लार्ज कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 से 35 ईयर्स की एज के हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। और दूसरे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस जैसे कि लार्ज प्लस मिड कैप फंड्स या फिर मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर आप बोलेंगे तो मैं इन मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज प्लस मिड कैप फंड्स, इन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपको लार्ज कैप फंड चूज करने में हेल्प मिलेगी। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।